नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द लेजी रीडर पॉडकास्ट और हम चर्चा कर रहे हैं रोंडा बर्न के द्वारा लिखी गई किताब द मैजिक की। और आज इस पुस्तक के अनुसार 13वां दिन हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में कैसे बदलें इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। नॉर्मन विंसेंट पील, जो एक लेखक थे तथा जिनका जन्म 1898 तथा मृत्यु 1993 में हुई, उन्होंने कहा है, कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और जो भी लगातार मिल रहा है, आपने हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने के लिए पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाहे चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है, यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज़ मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है, यानी कि उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके पास अभी कृतज्ञता है उसे भविष्य में अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज़ मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज़ मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी चीज़ को पाने के लिए कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। जब आप अपनी मनचाही चीज़ पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज़ आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं?
इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नज़र डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। उदाहरण के लिए डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुके हों। मिसाल के तौर पर परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारा बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती हैं कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपके शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सरोबार कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। नंबर 1, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? नंबर 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया?
नंबर 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज़ कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हों करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं, जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मज़ेदार चीज़ करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीज़ों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें, या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। दोस्तों, अब हम जादुई अभ्यास 13 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में कैसे बदलें उसके बारे में जानेंगे। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नंबर 3, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हों। नंबर 1, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? नंबर 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया? नंबर 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज़ कौन सी की? मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हों करें। 4, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। नंबर 5, यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें। तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख लें। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो दोस्तों, आई होप यह अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। अब अगले अध्याय में, जो कि 14वां दिन है, उसमें हम अपने दिन को जादुई कैसे बनाएं उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।